मैं रस पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया, आज छंद कंप्लीट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार, अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हर एक टारगेट बनाकर चल रहा हूँ। आपका 2 नंबर उसमें कंप्लीट किया, आज छंद क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर ये भी हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, अलंकार, अलंकार भी हो जाएगा। यानी कि मैं 6 नंबर जो टारगेट बनाकर चल रहा हूँ वो 3 दिन में पूर्ण कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, 2 नंबर आपका कंप्लीट होने वाला। देखिए, चौपाई दोहा सोरठा कुंडली, चाहे आप क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चौपाई दोहा सोरठा कुंडलिया, ये सब के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए चौपाई दोहा, ये सबसे, देखिए चाहे तो दोहा सोरठा पढ़ लीजिए, ठीक है, कुछ भी पढ़ लीजिए। तो मैं 3 इसमें कंप्लीट करने वाला हूँ, चौपाई दोहा सोरठा, तीनों मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको गारंटी कहता हूँ मैं समझ में आ जाएगा। तो अभी तक प्लीज़ लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं मन है तो अभी मत करिए, प्लीज़ यार शेयर तो कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौपाई क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। देखिए, पहली बात, जो छंद आते हैं उसके लगभग कितने चरण होते हैं? लगभग नहीं, सभी के 4 ही चरण होते हैं। सभी के कितने चरण होते हैं? छंद में 4 होते हैं। ये तो एक ट्रिक है, समझ लो, ये सब में लिखना है कि इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक चरण में ये नहीं लिखना है, और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, और अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। यानी कि गुरु और लघु जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ये इसका कहना है, समझ में आया। तो 16 16 टोटल मात्राएं होना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये इसलिए उठाया हूँ मैं इसे क्योंकि बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। बेस्ट मतलब ये है कि बहुत लोग को ये याद भी है, इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल उठाया हूँ। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहा चौपाई का, तो इसको देखिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन कोई भी चौपाई आप ले लीजिए, लेकिन उसमें 16 मात्राएं होना चाहिए, चाहे जो ले लो आप, ऐसा नहीं है कि वही चीज़ आपको लेना है, ठीक है। अब देखिए, जब जा है फिर या है तो एक एक मात्रा, हा है तो एक मात्रा, ना पे छोटा उ मात्रा है। जब छोटा उ का मात्रा रहेगा तो एक रहेगा, और जब बड़ा आ का मात्रा या बड़ा उ का मात्रा रहेगा तो 2 रहेगा। तो इसको 2 पढ़ा जाएगा, लेकिन ये यस आकार का बना है, ठीक है। ना है तो इसमें 1 रहेगा। अब ग्या है तो ग्या पे आ की मात्रा है, तो इसको 2 पढ़ा जाएगा। ना है तो इसको 1 पढ़ा जाएगा। देखिए, गा पे छोटा उ मात्रा, जब छोटा उ का मात्रा रहेगा तो उसे 1 पढ़ा जाएगा। अब ना है तो इसको 1 पढ़ा जाएगा। अब देखिए, सा पे आ की मात्रा है तो इसको 2 पढ़ा जाएगा। गा है तो 1 पढ़ा जाएगा, रा है तो 1 पढ़ा जाएगा। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने मात्राएं हुए? 16 मात्राएं हुए, ठीक है ना। तो अब इसी तरह सब में करेंगे तो सब में 16 16 मात्राएं। मैं पास पास लिखते इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। आप करेंगे, नहीं होगा मुझे कमेंट करिएगा कि भैया आपने ये गलत बता दिया, तो मैं फिर से इसके लिए वीडियो बना दूंगा, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो चौपाई मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। चलिए अब दोहा की तरफ बढ़ते हैं। दोहा क्या होता है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितने कितने मात्राएं होती? पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, देखिए इसमें भी 4 चरण है ना, मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11, यानी कि पहला और तीसरे में कहूँ तो कितना 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 रहेगा? 13 13 रहेगा, ठीक है ना। और दूसरे और चौथे में कितना कितना रहेगा? 11 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ में भी आ जाएगा ना। तो क्लियर हुए पहले पहले और तीसरे, ध्यान दीजिए, देखिए कैसे इसको याद करना है दोहा को। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको, आपको पहला बोल रहा है और तीसरा तीसरा, यही चीज़ आपको याद रखना है। पहला यानी कि पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में 13 मात्रा, 1 3, समझ में आ गया ना, मुझे उम्मीद है। पहला और तीसरा अगर नहीं याद होता, यही आप समझ लीजिएगा, पहला मतलब 1 और तीसरा मतलब 3, तो यानी कि 13 मात्रा, यानी पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएँ होती है। मुझे उम्मीद है कि ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पूरे यूट्यूब को खोल लीजिएगा, अगर मिल जाएगा तो बता देना, ठीक है ना। पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 13 13, क्योंकि पहला लिया और तीसरा लिया तो 13 13 हुए ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल, जय माला छाया तिलक सराय न एकव काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। इसको फिर से एक बार पढ़ लूँ, ठीक है पढ़ लेता हूँ। जय माला छाया तिलक सराय न एकव काम,
मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम, यानी कि सांचे राचे राम ये क्लियर करना है इसमें। देखिए अब जा है तो एक मात्रा या है तो एक मात्रा माँ पे आ की मात्रा दो, ये दो पढ़ा जाएगा लेकिन ये क्या है यश की तरह बनेगा, ये भी दो रहेगा ऐसे भी तिलक ऐसे। देखिए अब इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरह मात्राएं हुए, अब इसमें 11 होना चाहिए, पहले और तीसरे में 13 होना चाहिए और इसमें कितना कितना होना चाहिए 11 11। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ ना, अब इसका देखो करके दिखाता हूँ। माँ है तो एक कर दो, ना है तो एक कर दो। अब का पे आ की मात्रा है तो दो हो जाएगा, सिंपल सी बात। और चा पे ए की मात्रा है तो क्या हो जाएगा दो, इसको दो पढ़ा जाएगा लेकिन यह साकार का रहेगा। ना पे आ की मात्रा दो पढ़ा जाएगा, चा पे दो पढ़ा जाएगा। और वृथा वहाँ पे रिक मात्रा है तो इसको एक ही लिखिए आप। था पे आ की मात्रा है तो इसको दो पढ़ा जाएगा लेकिन यह साकार का लिखा जाएगा। चलो पढ़ते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल कितने मात्राएं हुए 13। पहला और तीसरा आपने देख लिए 13 मात्राएं हुए। अब इसमें देखेंगे सा पे आ की मात्रा यानी कि दो, चा पे ए की मात्रा इसमें भी दो रहेगा, रांचे पे रा पे दो रहेगा और चा पे भी कितना रहेगा दो रहेगा और रा पे दो रहेगा, मा पे एक रहेगा, रा पे आ की मात्रा इसलिए। अब इसको गिनते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 यानी कि पहले और जो तीसरा चरण था उसमें 13 13 और जो दूसरा और चौथा था उसमें 11 11। अब चलते हैं अगले पेज में सोरठा अलंकार की तरफ। चलो आप देखिए सोरठा, सोरठा के देखेंगे यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसके प्रथम और इसमें भी चार चरण है, इसको भी लिख दीजिएगा कि इसमें चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। सोरठा में भी चार चरण होते हैं, कहा ना। तो यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? यानी कि दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। देखिए मैंने दोहा का आपको ट्रिक बताया, तो दोहा का ट्रिक कैसे बताया था एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि उसी के आकार से इसमें भी ट्रिक निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए दोहा में था कि पहला और यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ, पहला और तीसरा जो था उसमें 13 13 मात्राएँ थी। अब यही चीज़ और देखिए दूसरा और जो चौथा था उसमें 11 11 मात्राएँ थी। तो इसमें एकदम सेम उल्टा, जो इसमें दूसरा पहला और जो तीसरा था तो वो दूसरा और चौथा बन जाएगा और इसका सेम उल्टा बन जाएगा, समझ में आया ना। तो इसका उदाहरण देखते हैं, रहिमन मोहि सुहाय अमे पियावत मान बिन जो विष देत पिलाए प्रेम सहित मरिबो भलो। समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ, रहिमन मोहि सुहाय अमे पियावत मान बिन जो विष देत पिलाए और प्रेम सहित मरिबो भलो। अब देखिए रा है तो इस पर एक मात्रा, हा है तो इस पर भी एक मात्रा, क्योंकि छोटी मात्रा छोटी का मात्रा एक ही आता है। अब माँ पे भी एक रहेगा और ना पे भी एक रहेगा। अब इस पर मुँह माँ पे हो की मात्रा इस पर दो हो जाएगा, ही पे एक हो जाएगा, सुहाय पे एक हो जाएगा, हा पे डबल इसको दो पढ़ा जाएगा लेकिन यस का आकार का रहेगा और या पे भी एक रहेगा। अब इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 11 देखिए 11 हुआ ना, इस पर भी 11 होगा। चलो इसको करके दिखा देता हूँ और उसको पढ़ लेना यार ना। देखिए जो है तो इस पर दो रहेगा, वा पे एक मात्रा तो एक रहेगा, सा पे एक है, दा पे दो रहेगा क्योंकि एक ही मात्रा है, ता पे एक, पा पे छोटी की मात्रा है तो एक रहेगा, ला पे आ की मात्रा है तो दो रहेगा, या है तो एक रहेगा। प्रेम इसको पढ़ लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 11 देखिए पहला और तीसरे में 11 11 आया। अब इसको देखते हैं प्रेम में, प्रेम पे एक ही मात्रा है तो दो रहेगा, माँ है तो एक रहेगा और सा है तो एक रहेगा, हा पे छोटी मात्रा एक रहेगा, ता है तो एक रहेगा, माँ है तो एक रहेगा, रा पे छोटी मात्रा एक रहेगा, बा पे हो की मात्रा दो रहेगा, भा एक है, ला पे हो की मात्रा दो रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है छंद भी क्लियर हो गया, तो रस छंद क्लियर अलंकार का कल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप रस का नहीं देखे तो प्ले लिस्ट देखिए, हिंदी के नाम से चाणक्य सीरीज के नाम से आपका चल रहा है, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ यार सपोर्ट बनाए रखिए, प्लीज़ इसी प्रकार से शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।